दोस्तों ये है 2023 का न्यूली लॉन्च हीरो जूम BX सेकंड टॉप मॉडल। इसमें ZX टॉप मॉडल के मुकाबले क्या क्या अलग फीचर्स मिलते हैं, माइलेज कितना देता है, टॉप स्पीड कितनी है और इसके तीनों वेरिएंट की डिटेल में ऑन रोड कीमत कितनी है, सारी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो ऊपर में आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का वाइजर मिलता है, नीचे में आपको ब्लू कलर मिलता है ग्लॉसी में, और बॉडी माउंट यहाँ पर आपको हेलोजन टाइप के टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, और एप्रन का जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर आपको हीरो का 3D लोगो और सेंटर में आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। इसके फ्रंट में आपको एच सेप LED DRL मिलती है जो हीरो को रिप्रेजेंट करती है, और ऊपर में आपको दो ड्यूअल LED प्रोजेक्टर का सेटअप मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और ऊपर में छोटे छोटे यहाँ पर आपको LED हेडलाइट का भी सेटअप मिल जाता है। तो ओवरऑल इसमें पूरा का पूरा LED का ही सेटअप दिया गया है। जैसा कि ये VX मॉडल है, सेकेंड टॉप मॉडल है, तो इसमें आपको ZX वेरिएंट के मुकाबले इंटेलिजेंट कॉर्नरिंग वेंडिंग लाइट यहाँ पर आपको नहीं मिलती हैं, जो सिर्फ आपको टॉप मॉडल में दी जाती हैं। यहाँ पर आपको हीरो जूम की वेजिंग मिलती है, आगे वाला जो मडगार्ड है वो आपको प्लास्टिक बॉडी का मिलता है, और इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक टाइप के फ्रंट में सस्पेंशन मिलते हैं, और जो मडगार्ड है वो आपको ड्यूअल टोन कलर में मिलता है। आगे में 90-90-12 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस स्टार मिल जाता है, और इसमें आपको डायमंड कट वाले एलॉय नहीं मिलते हैं जो सिर्फ आपको ZX टॉप मॉडल में दिए जाते हैं। 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है। कलर्स की बात करें तो ZX टॉप मॉडल में आपको 4 कलर मिल जाते हैं, और VX सेकंड टॉप में आपको मिलते हैं 3 कलर, और इससे नीचे वाला जो LX बेस मॉडल है उसमें सिर्फ आपको एक कलर मिलता है। इस कलर का नाम है पोलिस्टर ब्लू कलर। अगर आप इस स्कूटर को डेस्टिनी 125cc या फिर आप इसको मेस्ट्रो 125cc से कंपेयर करेंगे तो इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। पैनल के ऊपर में जूम का स्टिकर है। जूम का जो 3D में लोगो है वो सिर्फ आपको ZX टॉप मॉडल में दिया जाता है। इसके जो बॉडी पैनल है वो आपको प्लास्टिक बॉडी के मिलते हैं। सीट कुशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल, यहाँ पर आपको ड्यूअल टोन फैब्रिक के साथ यहाँ पर आपको सीट मिलती है, जिसमें 770 mm की सीट आर्ट मिल जाती है। अगर हम इसके सीट अंडर स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको LED बूट लाइट भी मिल जाती है रात में यूज करने के लिए, जो सीट के द्वारा ही बंद होती है और जल जाती है। 5.2 लीटर की यहाँ पर आपको इंटरनल फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। बाकी यहाँ पर आपको कुछ एक्सेसरीज भी मिल जाती हैं, और सीट अंडर स्टोरेज जो है वो आपको मिलता है 18 से 20 लीटर का। स्कूटर के रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इसकी जो ग्रैब रेल है वो आपको सिंगल पीस मिलती है जो कि सीट से थोड़ी सी नीचे की तरफ है, और एच शेप की यहाँ पर आपको LED टेल लाइट का सेटअप मिलता है, और पीछे में हेलोजन टाइप के टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, और पीछे वाला जो मडगार्ड है वो भी काफ़ी स्पोर्टी लुक में दिया गया है। इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसके पीछे में 180/12 प्रोफाइल का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, पीछे में 12 इंच का एलॉय दिया गया, जबकि ये चीज़ आपको एक्टिवा 6G में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको बड़ा सा टायर हगर मिल जाता है जिससे इंजन जो है वो कीचड़ की वजह से गंदा ना हो। जो एग्जॉस्ट है वो आपको ड्यूअल टोन कलर में मिलता है, जिसके ऊपर में जो मफलर गार्ड है वो आपको मिलता है मेटल बॉडी में मैट फिनिश ग्रे कलर के साथ। यहाँ पर आपको इंजन ऑयल कैप, ES का फैन कूल्ड इंजन को ठंडा करने के लिए, एडजस्टेबल फुटपैक्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 155 mm की मिलती है, और स्कूटर का वजन है 108 किलोग्राम। प्रोग्रामेड FI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है। बाकी नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैरी हुक मिल जाता है जिससे आप थोड़ा बहुत सामान भी यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। इसकी लेग स्पेस एरिया की बात करें तो इतना यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है, जिसमें आप 15 लीटर की जो वाटर बॉटल डिस्पेंसर वाली होती है उसको यहाँ पर आप कैरी कर सकते हैं आसानी से, और यहाँ पर आपको दो पानी की बॉटल को रखने के लिए थोड़ा सा ग्लव बॉक्स का सेटअप मिल जाता है, और नीचे में आपको मिलता है USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट जिसमें आप मोबाइल को भी आसानी से चार्ज कर पाएंगे। सिंगल यहाँ पर आपको की पॉइंट मिलता है, कोई भी यहाँ पर आपको वेव की ऑफर नहीं की जाती है। मीटर कंसोल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल का सेटअप मिलता है, जिसके साइड में आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिम मीटर, फ्यूल गेज मिल जाता है, क्लॉक मिल जाती है। जैसा कि ये VX मॉडल है इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती। ऊपर में I3S चेक इंजन की लाइट, टर्न इंडिकेटर, हेडलाइट और लो फ्यूल की वार्निंग की अलर्ट यहाँ पर आपको मिल जाती है। बाकी इसमें ब्लूटूथ आपको नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको मिलता है ZX टॉप मॉडल में। अगर आप चाहें तो अलग से भी लगवा सकते हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें आपको रियल एवरेज इंडिकेटर वाला फीचर्स मिलता है। जैसा कि स्कूटर को जिस भी स्पीड में चलाएंगे तो यहाँ पर एवरेज शो होगा। बाकी जो कंसोल का एरिया है वो भी काफ़ी प्रीमियम है, और इसके जो मिरर हैं वो आपको थोड़े से काफ़ी अच्छे लुक के साथ यहाँ पर पासिंग अपडे पर इंडिकेटर हॉर्न, और इसकी जो ब्रेक लीवर है उसमें भी आपको लॉक सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर I3S का बटन मिलता है जो फ्यूल सेविंग करने में काफ़ी मदद करता है। ये
माइलेज की अगर हम बात करें तो ये स्कूटर आपको एक लीटर पेट्रोल में 40 से 45 का माइलेज निकाल कर दे देगा। 95 की टॉप स्पीड मिलती है। स्कूटर के दूसरी साइड में चलते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है सीट को ओपन करने का लॉकर, और यहाँ पर आपको जूम का स्टिकर मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिलता है साइड स्टैंड, इसमें अभी इंस्टॉल नहीं है। ये सब आपको जब डिलीवरी लोगे तब आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर दिया है इसका एयर फिल्टर, और इसमें आपको किक भी मिल जाती है सेल्फ के साथ। इंजन जो है वो पूरा का पूरा नया है, इसमें काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग की गई है। इसके रियर में दिया है यूनिट स्विंग विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर टाइप का एडजस्टेबल सस्पेंशन। पीछे में मिलता है बड़ा सा टायर हगर, 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है। पीछे में डिस्क का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसमें 110.9 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक BS6 FI प्रोग्रामेड FI वाला इंजन दिया है। ये इंजन 8.05 BHP की पावर देता है 7,250 RPM पर, और 8.70 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 5,750 RPM पर। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो 0-60 जाने में इसको 9.35 सेकंड का समय लेता है, ये कंपनी क्लेम करती है। जबकि मैंने इसको राइड किया था तो ये स्कूटर 6.5 सेकंड में 0-60 की स्पीड को आसानी से पकड़ लेता है। तो प्राइस की बात करें तो जूम BX सेकंड टॉप मॉडल की एक्स शोरूम कीमत है 74,599 रुपीज़, और इसकी ऑन रोड प्राइस है 89,945 रुपीज़। और जो ZX टॉप मॉडल है उसकी ऑन रोड प्राइस है 95,445 रुपीज़, और जो LX बेस मॉडल है उसकी ऑन रोड प्राइस है 86,345 रुपीज़, जो मैंने आपको बताई है फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल्स हीरो एजेंसी राया मथुरा की। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं तो सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।